29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਟਸ ਵੇਕੈਂਟ ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਫਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ है ना पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट लॉगिन करके वो हर कॉलेज ने अपने इंस्टीट्यूट बारे दस दिता है कि एनिया सीटा इस कैटागरी विच खाली साड़ियाँ बच गई हैं। वो खाली बचिया सीटा भरन लिए सैकेंड काउंसलिंग हो रही है। हुण तुहाडा की रोल है, असी सिर्फ ये समझना है साडा रोल फ्लैक्सीबल। पहला तो हो जाओ कि तुसी कॉलेज भी चेंज कर सकते हैं, सबजैक्ट मेजर भी चेंज कर सकते हैं, माइनर भी चेंज कर सकते हैं, पर रूल उ रहेंगे इलैक्टिव 3 साल है ना, 2 साल या 1 साल जिन्ना भी तुसी पढ़िया है। जनरल है तो वो एडिशनल पेपर देना पड़ेगा। चेंजेबिलिटी है, जो लर्न किया है उसनों अप्लाई कर सकते हैं। सब तो पहला काम करो कि अपने कॉलेज की लिस्ट बनाओ कि कॉलेज नंबर 1। एक गल दस देव कि यूनिवर्सिटी ने पॉइंट अगे जाके मैं लिखा है, यूनिवर्सिटी ने कह दिता है कि मिनिमम 3 कॉलेज भरने हर हालत जरूरी है, इस तो घट नहीं भरे जा सकते। कारण यह है कि कुछ कॉलेजा ने जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की सी, और रजिस्ट्रेशन दे विच की करते सिर्फ अपना कॉलेज भरते, अपने कॉलेज ही उन्होंने आना सी। चलो तुहाडी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया, इट्स ओके। लेकिन कई बच्चे इस विच तंग भी हुए हैं, कई दे पासवर्ड ID नहीं दिते गए, उन्होंने रोंग सबजैक्ट फिल किए गए है ना, अनसाइंटिफिक हो गया। वो जिहड़े पिसे बच्चे हैं उन्होंने शिकायत उत्थे जा गई है, तो जिस करके यूनिवर्सिटी ने कदम चुकिया है अमित कौर सर ने कि 3 मिनिमम भरे जाएंगे। इट मीनस जिहड़े कॉलेज तुहाडी सानकट हुई है, हुण जरूरी नहीं है कि वह 3 कॉलेज ही भरे, पर यह पॉसीबिलिटी की है कि वह कॉलेज हो सकते हैं कि अजिहे कॉलेज भर दें जिथे तुसीं नहीं जाना चाहते। पहला कॉलेज उहो ही भरो तां जो थर्ड काउंसलिंग फिर तुसीं उन्हां को तंग होकर आवो। सो मैं तुहानूं यह कहना चाहना हाँ कि मिनिमम इट मीनस 3 तो प्रैफरेंस बनाउणियां, तुसीं 10 तक बना सकते, इत्थे मैं 10 लिख दिता है। पहला कॉलेज देखो, उसके सबजैक्ट देखने हैं मेजर भी तो माइनर भी। तीजी चीज़ देखनी है अनफिल्ड सीट्स, 3 चीज़ां तुसीं देखनियां है। पहला कॉलेज सिलेक्ट किया, उस कॉलेज के सिलेक्ट करन तो बाद कल 29 तरीक है, 29 तरीक नूं इस हैडिंग विच अनफिल्ड सीट्स जिहड़ियां ने वो डिस्प्ले हो जाणगियां, ठीक। उसनूं तुसीं तुहाडे लई डिस्प्ले किया जाएगा। वो डिस्प्ले होण ते बाद तुसीं उहनां दे विचों देखना है कि की मेरे सब्जेक्ट की, फॉर एग्जाम्पल मेरा SST है, कि मेरे SST की फलाना कॉलेज है डैश कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज मान लो कोई है, कि इतने SST की सीट खाली है, और मेजर माइनर सबजैक्ट वो वाला है जिहड़ा नहीं मिलिया। गवर्नमेंट कॉलेज जलंधर विच विद्यार्थियों के फोन आए कि हिस्ट्री लैके वो SST फिल किया सी लेकिन कॉलेज वाले ने रिजैक्ट करता, बिल्कुल कॉलेज वाले ठीक ने। सो उन्होंने हुण यूनिवर्सिटी जाओ वगैरह चेंज करना पै रहा है, दूजी यूनिवर्सिटी जाना पै रहा है। सो इस तरह कई गड़बड़ हुई हैं, वो गड़बड़ तो बचने लिए तुसी माइनर सब्जेक्ट कई नहीं मिलिया। अज एक फोन आया कि सर मैं इलैक्टिव हिंदी पढ़ी है लेकिन उत्थे पंजाबी है हिंदी नहीं है, मैं कहा गड़बड़ है, तुहानू हिंदी ही लैनी चाहिए है ना, जे इलैक्टिव पंजाबी पढ़ी है फिर पंजाबी लो। सो मेजर माइनर सब्जेक्ट देख के कॉलेज पहला देख के, और इतों अनफिल्ड सीट देख के सीट के विच अपना सब्जेक्ट भी देख लिया, कैटागरी भी देखनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरी SST की कैटागरी है, मान लो मेरी रिजर्व कैटागरी है, तो मैं रिजर्व कैटागरी के SST गवर्नमेंट कॉलेज देखिया कि उत्थे सीट मेरी रिजर्व कैटागरी की है, फॉर एग्जाम्पल 1 सीट खाली है ना, फिर तुसी उत्थे पहले उहदी प्रैफरेंस रखो। जे 0 सीट खाली है फिर अपनी तसली लिए गवर्नमेंट कॉलेज पहला बेशक रख लो, लेकिन फायदा नहीं होएगा, पर फिर भी तुसी भर दो। दूजे नंबर पर जिहड़ा कॉलेज रखा है, तुहानू आस होएगी ना कि किनिया सीटा उत्ते खाली हैं, तो कि प्रोबेबिलिटी मेरी है, दिल नहीं खराब होएगा। फिर दूजा कॉलेज जिहड़ा भरिया है, मान लो तुसी कोई एडेड कॉलेज, मान लो कोई भी XYZ भरिया है ना, वो भर दिता, उस कॉलेज विच उस कैटागरी दियां मेजर सब्जैक्ट ते माइनर सब्जैक्ट है प्राइवेट च ज़्यादा होंदे हन, कि उस कैटागरी की सीट है, हाँ जी है, उत्ते 3 सीटा हन, फिर उन्हों लो है ना। मान लो तीजा कॉलेज लिया तुसी, कोई जरूरी नहीं है गवर्नमेंट पहला लेना एडेड लेना, मैं वैसे लिखा है जरूरी नहीं है, तुसी प्राइवेट भी सारे लै सकते, सारे गवर्नमेंट भी लै सकते, सारे एडेड भी लै सकते, तुसी अपनी कन्वीनियंट मुताबक ही प्रैफरेंस बनानी है। मेरे मुताबक नहीं, मैं तो जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हाँ क्योंकि गवर्नमेंट नूं ज़्यादा प्रैफर किया जाता है। हुण ये समझ लेना चाहिए है कि मान लो तीजा कॉलेज है, उत्थे मेरे SST की मेरे कैटेगरी की 0 सीट है ना, जां मेरा माइनर सब्जेक्ट नहीं है
है ना, जहां मेरा मेजर सब्जेक्ट जेड़ा मैं चाहना वो नहीं है, दूसरा सब्जेक्ट है, मतलब डिससैटिस्फैक्शन किसे भी लेवल से है, फिर मैं वो कॉलेज ना पढ़ा तो बैटर है। सो चौथा कॉलेज देखो वो नतीजे ते ले आओ। सो देखना की है कॉलेज सब्जेक्ट दोनों मेजर ते माइनर भी और कैटेगरी भी, उस दे मुताबक देखना है किनियां सीटां खाली हैं। ते दूसरी गल जे रिजर्व कैटेगरी दे हो तो जनरल कैटेगरी दीयां सीटां खाली पईयां हन, चंगी तरह सुन लईयो, रिजर्व कैटेगरी दे हो तो जनरल दीयां सीटां खाली पईयां हन, ते तुहाडे हो सकदा है ज़्यादा मार्क्स हन ते तुहाडे जनरल विच तुहानू सीट मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये गल्लां दा ध्यान तुसीं कल आने वाले दिनों विच रखना है। एक इंपॉर्टेंट गल कि पहला भी अलग तो वीडियो भी जारी किया है, कैफे ते बुक शॉपर जिहड़े ने उन्होंने काफ़ी कई परेशान किया होया है। मैं नहीं समझता कि कैफे वाले ने किया है, मैं नहीं समझता बुक शॉपकीपर्स ने किया होया है, मैं क्या है तुसीं जिम्मेवार हो, क्योंकि तुसीं अपनी आईडी पासवर्ड किसी नूं दिंदे हो, तुसीं कहिंदे हो कि मेरे कॉलेज भर दी, अगले ने जिहड़े मर्जी भरते, अगले ने फायदा उठाना है, फायदा उठाने लई तां एक कलयुग है ते वो टेंडेंसी है विचारियां च, कोई नहीं चाहुंदा पर एक फोर्स काली है उधर तक के लै जांदी है, बेशक उन्हां नूं पता है कि इन्हां कर्मां दा फल अच्छा नहीं मिलना, सानू पता है पिज़्ज़ा बर्गर खान नाल मैं मेरी सेहत नहीं ठीक होनी, मैनू कॉन्स्टिपेशन हो जानी है, मैनू प्रॉब्लम हो सकती है, पर फिर भी खाधे जाते हैं। कारण की है कि एक नैगेटिव फोर्स अंदर भरी हुई है जी तुम नैगेटिव वल लैके जाती है, पॉजिटिविटी भरोगे उस कॉस्मिक एनर्जी वल लगोगे फिर खुद ब खुद डिसीजन होंगे, खुद ब खुद वो तुहाडे काम करता है, तुहाडे तो नैगेटिविटी पई भी है तो तुसी तुहानू कोई भी चीज़ उधर नहीं लैके जाएगी, खुद ब खुद बचाएगी। सो सब ने करना है, सब ने फायदा उठाना है, सके रिश्तिया ने फायदा उठाना है, सब ने उठाना है, जिसन सब तो अजीज समझते हो उसने भी फायदा उठा लेना है, जेकर पॉजिटिव एनर्जी नाल भरिया नहीं है, रिपीट अंडरलाइन कर लो, जे पॉजिटिव एनर्जी ना भरिया होया है उसके सामने भी पैसा प्या रहे तो उन्हें चोरी नहीं करना, इस गल समझ लो यार। सो मोस्टली असं नैगेटिव एनर्जी ना भरे हुए हाँ, असी लोगों देखते हैं नैगेटिव एनर्जी आती है, उसू देखोगे तो पॉजिटिविटी ना भरोगे। सो फायदा उठाया जाएगा, फायदा उठाए जाने वाले युग विच हो तो अपने हाथ वढ़ के किसी नूं दे रहे हो तो तुसी जिम्मेवार हो, जिम्मेवार नहीं हैं। आईडी पासवर्ड देना है दे दिओ, तुहाडी मर्जी है, पर घट्टो घट ये तो पता होवे मेरे किहड़े कॉलेज किहड़े कॉम्बीनेशन भरे हुए हैं। सो इस गल का ध्यान रखो, और इनफोरमेसन लो, आईडी पासवर्ड का हक अपने कोल भी रखो, वो आईडी या पासवर्ड अपने कोल भी रखो, उन्हां को भी इदां भी हो सकता है, जे कोई ज़्यादा छुपा रहा है तो यदा मतलब है कि टेंडेंसी रोंग चल रही है, तुहाडे हक है, किसी नूं दे रहे हो तो फायदा उठाया जाएगा। प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़, तुसी जिए हो, तुसी जन्म लिया है, तुसी ही मरना है, ये विच विचाले जो कर गए हैं, जे साड़ी गलती करके किसी के भी कर्म खराब होंगे है तो असी भी अपने कर्म खराब कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल से इदा ना करिए कि असी अलाउ करिए कि दूसरा भी साढ़े अच्छाई करके गलत कर जाए, जहाँ बुराई करके गलत कर जाए। सॉरी मैं कुछ गलत कह गया हूँ।